ग्वार की कीमतों में पिछले दिनों आई तेजी थमती दिखाई दे रही है। एनसीडीएक्स पर ग्वार की कीमतों में गिरावट शुरू हो चुकी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने ग्वार पर अनुमान जारी किया है। राजस्थान सरकार के मुताबिक फसल 142 लाख बोरी होने का अनुमान है। इसी बीच एनसीडीएक्स पर ग्वार गम ग्वार सीड के भाव में 5% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 13,248 रुपए के ऊपर कारोबार करने के बाद अब ग्वार 13,000 रुपए के नीचे फिसल चुका है। ग्वारगम और ग्वार सीड में आए दबाव पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्वार पैक की एक्सपोर्ट मांग में तेजी देखने को मिली, जिसका असर कीमतों पर देखने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सूडान में ग्वार पैक के उत्पादन बेहद कम है, जिसके कारण इसकी कीमतों में उछाल आया था। साथ ही सप्लाई में कमी से भी कीमतों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। अगर ग्वार गम की चाल पर नजर डालें तो ग्वार गम एक हफ्ते में 14% चढ़ा था, जबकि एक महीने में 43% की बढ़त देखने को मिली, तो वहीं एक साल में 25% का उछाल दर्ज किया गया। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो एक हफ्ते में ग्वार सीड 4% चढ़ा और एक महीने में 34% का रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया है, जबकि एक साल में 6% का रिटर्न ग्वार सीड ने भी दिया है। वहीं अब जानकारों की अलग अलग राय है ग्वार के उत्पादन को लेकर। कुछ जानकार मानकर चल रहे हैं कि इस साल ग्वार का उत्पादन 1 करोड़ बोरी हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि 80 लाख बोरी ग्वार की पैदावार हुई है। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ग्वार की पैदावार 95 लाख बोरी के आसपास हुई है। अभी इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, जिसके चलते ग्वार की कीमतों में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।